जिले में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 16वीं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा नेता शशिकांत चतुर्वेदी ने कदम चौराहा स्थित मंगल पांडे स्मारक समिति के परिसर में स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 16वीं पुण्यतिथि पर भव्य भंडारा और लोगों ने कंबल विक्रमादित्य पांडे की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको सुनाते हैं विक्रमादित्य पांडे को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बलिया जनपद के सभी पत्रकार, छायाकार, समाज सेवी, राजनैतिक दलों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है, क्या इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित किए हैं? सबसे पहले तो सदैव विक्रमादित्य पांडे जी के स्मृतियों को लोगों ने नमन किया और श्रद्धा के पूर्व समर्पित किया। उसके पश्चात आप देख ही रहे हैं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और उसके बाद कम्बल वितरण का कार्यक्रम होगा। कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्या उनमें ऐसा व्यक्तित्व था कि आप इसको लेकर के सदैव विक्रमादित्य पांडे जी 3 बार बलिया से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे और एमएलसी रहे। वो जन जन के नेता थे, यहाँ विकास पुरुष के नाम से जाते थे और सभी लोगों के साथ जुड़ के रहते थे, गरीब हो, अमीर हो और खासतौर से जो समाज का अंतिम पौधान का व्यक्ति था उसके साथ जुड़ करके सदैव विक्रमादित्य पांडे जी हमेशा काम करने का काम करते थे। आज के दौर में कितने याद आ रहे हैं विक्रमादित्य पांडे जी? मैंने सभी लोग याद कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं के अंदर वो भावना की कमी हो गई है। अभी इस अवसर पे मैं किसी दूसरे नेता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। क्या क्या कार्यक्रम है? अभी तो भंडारा चल रहा है और कुछ कार्यक्रम है? इसके बाद कंबल वितरण होगा। भीड़ लगा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, टेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे पांडे जी की आज सरोही पुण्यतिथि के यादगार में उनको समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता वरिष्ठ नेता सभी लोगों ने सर्वदलीय सभा हुई जिसमें सभी लोगों ने उनको नमन किया। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं के तरफ से, सबके तरफ से, जो समाज के अंतिम व्यक्ति उसके तरफ से हमने नमन किया। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी, इसके आयोजक और संयोजक जो शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय शशिकांत चतुर्वेदी जी ने इसका आयोजन किया, सबको बुलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इस आशा विश्वास के साथ वो सदैव पांडे जी का सोच था, विचार था बलिया के विकास के लिए, बलिया के साथ नाइंसाफी हो उसके लिए, जो नाइंसाफी हो रही थी अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ सदैव पांडे जी ने सबको जोड़ने का काम किया। भाईचारा, मोहब्बत का मिसाल थे सदैव विक्रमादित्य पांडे जी ने। जिस तरह से राजनीति में कटुता होती जा रही है, जिस तरह से राजनीति में एक बदले की भावना से राजनीति हो रही है, उसकी मिसाल थे सदैव पांडे जी। उन्होंने सबका सम्मान करने का काम, सबका विकास करने का काम सदैव पांडे जी करते थे। उन्हीं के यादगार में आज श्रद्धांजलि सभा भी हुई और शशिकांत चतुर्वेदी जी ने उनके यादगार में, उनकी स्मृति में आज भोजन कराने का काम, गरीब लोगों का भोजन भी कराएंगे, गरीब लोगों को कपड़ा भी देंगे, गरीब लोगों को कंबल भी देंगे और उनको विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी शशिकांत चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।